जय श्री मोल फ्यूचर। हाल चाल आप सभी का, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो भाई, आज सुबह सुबह इतनी तगड़ी बारिश हुई है यहाँ पे नोएडा में, तो मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का टाइम नहीं, दोपहर ही मान लो आप, 12:30 बज चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ बिजली दफ्तर, क्योंकि कुछ काम है घर का, कुछ मीटर के रिगार्डिंग कुछ काम है। पापा ने 2 दिन से बोल रखा था, मैं गया नहीं, तो मैंने सोचा मौसम अच्छा अभी चल लेता है सुबह के टाइम पे। ओए ओए ओए, तो एक्सीडेंट हो जाता बकरी के चक्कर में। होप गाइस आगे पानी ना लगाओ, क्योंकि यार बारिश हल्की सी होती है आगे पानी लग जाता है। देखते हैं, बारिश तो हुई है काफ़ी तगड़ी। 5 बजे सुबह जब मैं उठा था आँख खुली मेरी, तो मैंने देखा बारिश हो गई थी बहुत ही तेज मूसलाधार। आज पानी नहीं लगा, फिर ये रोड तो पूरी भरी जाती है पानी से। काफ़ी सुनहरा मौसम है नोएडा का, अब ऐसी मौसम रहे, बारिश हो रहा है, बहुत गर्मी हो गई बीच में। गाइस पता नहीं चल रहा है यहाँ पे बन क्या रहा है, इतने बड़े बड़े सामान उठाने लगे हुए। आई थिंक मॉल बन रहा है, फिर कोई कंपनी को समझ में नहीं आ रहा। OMG, बस रिपोर्टर भी आ रखे हैं यहाँ पे। और पानी देखो, देखा मैंने कहता था पानी लगा होगा, वही तुम्हें पता है ना। अगर हल्के से भी रुके तो पैर गीले हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं पहन के आया हूँ एक चप्पल, भाई बिल्कुल बैलेंस करके चला रहा हूँ। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। भाई पानी तो और बढ़ते जा रहा है, यमुना का पानी यहाँ भी आ गया क्या, देख लो। मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है, पहिए भी मुड़ जा रहे हैं, लेकिन आपका भाई लगा पड़ा है मस्त चलाने में बाइक। ओ ओ रुकना पड़ेगा भाई, चलो चलो चलो। ओ देखा भाई, देख लो मैं कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। पूरा पानी लग रखा था, लेकिन एक बार बाइक मतलब पैर पाँव में नीचे नहीं रखे। यही सब हुनर चाहिए होते हैं, बाकी बाइक तो रोड पे कोई भी दौड़ा देता है। यही सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, स्किल्स मैटर्स। इतनी गंदगी कर रखी है इस रोडों पे, देखना है क्या गंदगी है वहाँ वहाँ। अरे पानी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, नाले अगर जाम होंगे तो पानी का ड्रेनेज अगर नहीं होगा, बस ही बात है यार, रोड पे आएगा पानी, सिस्टम नहीं है भाई, सिस्टम नहीं है कुछ।
यहाँ से हमें जाना है सीधा 62 वाली रोड पे, वहीं पे ऑफिस मेन रोड पे ही है। बाकी अगर हम सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे इंदिरापुरम, और ये स्कूल है इंडस वैली। जब भी मैं इस रोड से जाता हूँ ना, मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार मैं और मेरा भाई अंकित, हम दोनों जा रहे थे कहीं, जा रहे होंगे 62 साइड जा रहे थे, तो ये जो नाला है ना, ये बड़ा बड़ा नाला है, उस साइड बहुत बड़ा नाला है, एक बंदा भी घुस जाएगा उसके अंदर। एक कुत्ता गिर रखा था, बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था, और सारे बंदे खड़े थे वहाँ पे, कोई मतलब उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं हल्का से नीचे गया था, अंकित ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, उस कुत्ते को मैंने पैर पकड़ के खींच के ऊपर लाया था, उसकी जान बच पाई नहीं तो उस नाले में वो मर जाता बुरी तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा नाला था, कोई रास्ता नहीं था निकलने का। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जब मैंने हाथ डाला तो वो काटने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके सर पे मैंने वो सहलाया तो उसे यकीन हुआ कि ये बचाने आया है मुझे, फरिश्ता है। तो वहाँ पर काफ़ी प्राउडली मूवमेंट हो गया था, सब मुझे देख रहे थे, सब चिल्ला रहे थे हीरो हीरो। तो सामने दिख रहा है आपको है सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन, लगता है हम बात करते करते काफ़ी आगे आ गए, नहीं BSNL के बाद ही था। ये रहा ना, अब आएगा ना स्वाद। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांस